श्री दक्षिणा काली पीठ मॉडल टाउन के महंत बंसीपुरी को बिहारीपुरी मठ काशी बनारस का मुख्य महंत बनाए जाने पर नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अनेक संत महात्माओं, नगरवासी सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व समाजसेवी लोगों ने महंत बंसीपुरी का फूल मालाओं से भव्य अभिनंदन किया। समारोह में प्रदेश के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह व उनके भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर महंत बंसीपुरी जी का फूल मालाओं से अभिनंदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। महंत बंसीपुरी ने कहा कि उनका पृथक नगरी पिहोवा से विशेष लगाव रहा है। वे पिछले 40-45 वर्षों से पिहोवा में रह रहे हैं। विभिन्न मंदिरों व मठों के महंत बनाए जाने के पश्चात भी वे पिहोवा में ही निवास करते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के पास बसी एक ऐसी नगरी जहां से पितरों को मुक्ति मिलती है, ये देवभूमि युगों युगांतरों से मृत आत्माओं की सदगति एवं शांति के लिए शास्त्रों में पुराणों में वर्णित रही है। मुख्य अतिथि खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गुरु और शिष्य का अटूट रिश्ता होता है। महंत बंसीपुरी ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने लोगों के नास्तिक जीवन को आस्तिक बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे संत महात्मा किसी भगवान से कम नहीं होते। उन्होंने महंत बंसीपुरी को बिहारीपुरी मठ का महंत बनाए जाने पर बधाई दी वे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महंत बंसीपुरी ने खेल मंत्री संदीप सिंह को उनके जन्मदिन की बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर संगमेश्वर महादेव मंदिर के महंत विश्वनाथ गिरी, महंत जगन्नाथपुरी, महंत शांतानंद, महंत रोशनपुरी, महंत भीमपुरी, स्वामी करणपुरी, स्वामी लक्ष्मीनारायणपुरी, संत आत्म विभोरपुरी, स्वामी चमनपुरी, महंत लालगिरी, स्वामी अनूपगिरी, दिगम्बर रंगनाथपुरी, स्वामी खटवांगपुरी, स्वामी अभिषेकपुरी, विपिन काड़ा, एडवोकेट एवं समाज सेवी अक्षय नंदा, राकेश पुरोहित, सुशील गुप्ता, सुनील सिंगला, विंकल कुमार चौबे, धनीरामपुरा, अवतार वालिया, राकेश, दिनेश तिवारी, गोपाल कौशिक, पराग धवन, बलदेव गर्ग, जॉनी गर्ग, शांति गुलाटी, पंकज केशव सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नगर निवासियों के द्वारा जो मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज हमारे मंत्री जी का भी जन्मदिन है, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ दोनों भाइयों के लिए कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों और अपने जीवन में बहुत नाम कमाए, यश कमाए, यही मेरी इनके लिए कामना है। देखिए, ये प्रसूदक पुण्य भूमि मेरा बचपन से लेकर के मैं सन 1971 में इस भूमि में आया। मैं बिरला मंदिर में पढ़ता था, उसके बाद में मैं चला गया बनारस। कुछ काल बनारस रहने के बाद में फिर मैं इलाहाबाद में पढ़ने लगा। 1973 को मैं इस पुण्य भूमि में पुनः आया और तब से लेके आज तक इस पेवा नगरी में यही रह रहा हूं। उन 15 साल तक मैंने अरणाई मंदिर में सेवा की, फिर मैं वहां से निकला, उस दिन घूमा एक आध महीना, तो फिर संपूर्ण नगर के लोगों ने एक विशाल मीटिंग करके और मुझको यहां आमंत्रित किया। पहले तो मैंने कुछ आनाकानी की, परंतु तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और सबने मिलकर के श्री पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर 1900 जो जिम्मेदारी मिली है, सभी को आस्तिक रूप में भगवान के साथ जोड़ने के लिए मैं उनको बहुत बहुत उसकी बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार पेहवा के अंदर, हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर लोगों को भगवान के प्रति, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान एक है, रूप अनेक है, और अलग अलग रूप में भगवान तक पहुंचाने के लिए जो इंसान हम सबको भगवान के साथ जोड़ता है, आस्तिक बनाता है, वो भी एक भगवान का रूप होता है। तो मैं महंत बंसीपुरी जी को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, पेहवा वासियों की तरफ से, कि आप ऐसे ही लोगों को भगवान के प्रति, भगवान की
आस्था के प्रति जागरूक करें, जिससे कि लोग जो नास्तिक से आस्तिक दोबारा बने, जिससे हमारा ये जो समाज है वो अच्छे कर्म करें। बहुत बहुत आपको बधाई। खबर नवा हरियाणा के लिए पीहोवासी अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।